ईडी सीबीआई इनकम ने तड़फ रही है रास्ता में घुसने के लिए, कलेक्टर को पकड़े हैं, एसपी को पकड़े हैं, तो ईडी को तो कहना चाहिए अपने बॉसेज को, भाई क्यों रास्ता में भेज रहे हो। वहां की एंटी क्राइम ब्यूरो इतनी मजबूत है कि जिसका कोई जवाब नहीं देश के अंदर, जवाब देश भर के अंदर, उसके अकॉर्डिंग टू कार्रवाई करो, छापे डालो, अरेस्ट करो, जेलों में डाल दो। महसूस जी कर देगी, कोई बचेगा नहीं। सीबीआई को नहीं दिया तो क्या है, एसओ जी जो है मुंह का खाया हुआ नाक से निकाल लेगी। किरुलाल का सूरज हो चुका है, किरुलाल अपराधी है, उस पर 5 केस लगे हुए हैं, फिर भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री पता नहीं क्यों गिरफ्तार नहीं कर रहे। रोजाना कोई न कोई चीज बोलता है, जो खुद अपराधी हो, खुद सिस्टम में करप्शन में खुद फंसा हुआ हो, वो सरकार पर आरोप लगाता है और खुलेआम घूम रहा है। जैसा कि हमने आपको बताया था, राजस्थान में ईडी की एंट्री से बड़ा बवाल मचना तय है और बवाल मच भी चुका है। जी हाँ, चुनाव में 6 महीने बचे हैं, एकाएक ईडी राजस्थान पहुंच जाती है, पेपर लीक के जांच के नाम पर ताबड़तोड़ छापेमारी करती है। और आपको बता दें कि पिछले 48 घंटे से ईडी की ये छापेमारी लगातार जारी है। अब मोदी सरकार की इस बड़ी कार्रवाई से गहलोत सरकार में भयंकर आग लग चुकी है। कल बाबा ने नाम लेकर पेपर लीक वालों की पोल खोली तो जाहिर है कुछ लोगों को मिर्ची तो लगनी ही थी। अब गहलोत के 3 खासम खास उनके बचाव में उतरे हैं। राजेंद्र जी राठौड़ के तो समय में एनएचएम घोटाला हुआ था, तब केंद्र में यही बीजेपी की सरकार थी, क्या आई थी क्या ईडी, किस किस के का क्या क्या मिला था? और एक बात बता दीजिए, पिछले 5 साल में ऐसा एक भी घटना नहीं हुई भ्रष्टाचार की जिसके ऊपर ईडी को आना चाहिए था? क्या ऐसा किसी भी भारतीय जनता पार्टी के किसी रूलिंग वाले स्टेट के अंदर इस तरीके की कोई भाजपा के किसी मंत्री मुख्यमंत्री या अधिकारियों के यहाँ कोई किसी तरह का कोई मामला नहीं है? आप बताइए, केवल कांग्रेस शासित राज्यों में जहाँ पर सरकारें अच्छा काम कर रही हैं, ईमानदारी के साथ में काम कर रहे हैं और जो घटना घटित होती है उसके ऊपर त्वरित एक्शन लेते हुए बड़े से बड़े लोगों को पकड़ रही हैं। जब चुनाव आता है तो उस समय ईडी वगैरह सब सक्रिय हर उस स्टेट में हो जाती है जहाँ पर जो है चुनाव आते हैं, तो ये तो आपको समझ लेना चाहिए। जब भी ईडी या सीबीआई कहीं दौरा करती है तो समझ लो उस प्रदेश में चुनाव आ रहे हैं। हमारी एसीबी बहुत अच्छा काम कर रही है, गृह विभाग भी मेरे पास है, जैसे ही तुरंत हुआ हमने अरेस्ट भी किए, मौके से जो जो तथ्य हैं वो सारे निकाले भी गए और हम पूरे देश में सबसे ज़्यादा एसीबी की कार्रवाई राजस्थान में होती है। मुँह से खाया है वो नाक से निकाल लेगी, इस तरीके के बयान आ रहे हैं। किरुलाल ने इस प्रकार का बयान पहली बार नहीं दिया है, पहले भी वसुंधरा को कहा था कि नाक से नक से निकल जाएगी और क्या क्या नहीं कहा वसुंधरा जी के लिए, तो किरुलाल की वजह से बात करना मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। किरुलाल का सूरस्त हो चुका है, किरुलाल अपराधी है, उस पर 5 केस लगे हुए हैं, फिर भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री पता नहीं क्यों गिरफ्तार नहीं कर रहे और वो रोजाना कोई ना कोई चीज़ बोलता है, जो खुद अपराधी हो, खुद सिस्टम में करप्शन में खुद फंसा हुआ हो, वो सरकार पर आरोप लगाता है और खुलेआम घूम रहा है। तो हम तो माननीय मुख्यमंत्री से कहेंगे कि भई ऐसे लोगों को बेनकाब करें और ये गलत तरीके से गलत दबाव बनाते हैं। आपको बताएं कि बीजेपी सांसद किरोड़ी लाल मीना ने पेपर लीक में गहलोत सरकार पर बड़ा आरोप लगा दिया। डोटासरा और सुभाष गर्ग पर तो सीधा सीधा नाम लेकर हमला बोला, कहा अभी तो ईडी आई है, अगर सीबीआई भी आ गई तो पेपर लीक की जांच गहलोत के गले तक भी पहुंच सकती है। राजीव गांधी स्टडी सर्किल के प्रभावशाली लोग सुभाष गर्ग, दूसरे मंत्री का मैं नाम नहीं बताना चाहता, 3-4 एमएलए, मेरे को तो लगता है 10-15 दिन में सब पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि गहलोत का संरक्षण था, गहलोत साहब का इन लोगों को। आखिर में वो जो है गर्ग साहब सुभाष, तो गहलोत साहब के खास आदमी है, ऐसे उनके खास एमएलए हैं। ईडी सीबीआई इनकम ने तड़फ रही है रास्ता में घुसने के लिए, कलेक्टर को पकड़े हैं, एसपी को पकड़े हैं, तो ईडी को तो कहना चाहिए अपने बॉसेज को, भाई क्यों रास्ता में भेज रहे हो,
वहाँ की एंटी क्राइम ब्यूरो इतनी मजबूत है कि जिसका कोई जवाब नहीं देश के अंदर, जवाब देश भर के अंदर, उसके अकॉर्डिंग टू कार्रवाई करो, छापे डालो, अरेस्ट करो, जेलों में डाल दो, हमें खुशी होगी, हम स्वागत करेंगे उनका। पर आप राजनीतिक बदले की भावना से चुनाव जीतने के लिए, माहौल अपने पक्ष में बनाने के लिए, सरकार को बदनाम करने के लिए अगर आप इस प्रकार की हरकतें करते हो, ऊपर से आदेश देते हो, फिर मॉनिटरिंग भी करते हो। बाबा ने भी इस बार गहलोत का नाम लेकर बड़ी बात कह दी, कह दिया कि पेपर लीक के सरगनाओं को गहलोत का संरक्षण था। जाहिर है ऐसे में रमेश मीणा कैसे चुप रहते, वो तो बाबा को गिरफ्तार कराने सीधा गहलोत के पास पहुंच गए। लेकिन गहलोत भी क्या करे, वो खुद चौतरफा घिरे हैं। बाबा के साथ राठौड़ और जोशी ने भी गहलोत पर बड़ा हमला बोला। वो लोक लुभावनी बातें कहकर अपने वोट की फसल काटना चाहते हैं, इससे कामयाब नहीं होंगे। यही वो सरकार है जिसने लगातार 60 पैसे फ्यूल चार्ज लिया, अब फ्यूल चार्ज माफ करने की बात करी। इन्होंने चुनाव घोषणा पत्र में कहा था कि हम रसोई गैस की मूल्य के मूल्य पर नियंत्रण करेंगे, महंगाई पर नियंत्रण करेंगे, 4.5 साल तक याद नहीं आया। और अब ये चुनाव को आगे सामने देखते हुए इस प्रकार की बात कर रहे हैं, ये सरकारी धन का दुरुपयोग करके अपना प्रचार कर रहे हैं। मैं समझता हूँ इसमें इनको कामयाबी नहीं मिलेगी, कांग्रेस की सबसे बड़ी हार इस बार निश्चित है। इधर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने गहलोत के गैस योजना की हवा निकालने की कोशिश की है। जोशी ने कहा कि वास्तव में गहलोत का गरीबों को सस्ता सिलेंडर देने की नीयत नहीं है, केंद्र सरकार ने राजस्थान के विकास में कोई कसर नहीं छोड़ी है। केंद्र सरकार ने 76 लाख गरीब लोगों का डेटा दिया तो आपने सब्सिडी राशि सिर्फ 14 लाख लोगों को ही क्यों दी। अब आरोपों और हमलों की इस जंग में बड़ा सवाल यही है कि पेपर लीक की जांच के नाम पर ये कौन सा खेल चल रहा है जिसका खत्म होने का नाम ही नहीं। पेपर लीक की जांच ना हुई, बीरबल की खिचड़ी हो गई कि बनाए ही नहीं बन रही। और पेपर लीक के इस पूरे खेल में पिस रहा है पेपर देने वाला राजस्थान का बेरोजगार युवा। ब्यूरो रिपोर्ट, राजस्थान तक।